हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एस संसारी में। और दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली के स्टूडेंट्स को फाइनली प्रमोशन मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के छात्रों को प्रमोशन कब मिलेगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपको पता चल ही गया होगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रमोशन गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई है, जिसके आधार पर बीए फर्स्ट ईयर, इसके साथ साथ बीए सेकेंड ईयर, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुने अपने अपने कोर्सेज के बारे में, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, इसी टाइप से बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर, उसके बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर, उसके बाद बीकॉम सेकेंड ईयर, इसके बाद एमए प्रीवियस ईयर यानी कि एमए फर्स्ट ईयर, उसके बाद एमएससी प्रीवियस ईयर यानी कि एमएससी फर्स्ट ईयर, इसके बाद एमकॉम प्रीवियस ईयर यानी कि एमकॉम फर्स्ट ईयर, इन सारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स वीएड से बिलोंग करते हैं या फिर एमएड से बिलोंग करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। व्हाट इज जब यहाँ पर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया, तो वहाँ पर साफ साफ उल्लेख किया जाएगा। फिलहाल यहां पर उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसके आधार पर ये सारी चीजें क्लियर की गई कि जो कला वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, इसके साथ साथ कृषि वर्ग और वाणिज्य वर्ग के जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को प्रमोट कर दिया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर अब खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। इसके साथ ही बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर दिया गया। जिन स्टूडेंट्स का किसी पेपर में एक सब्जेक्ट में बैक था, तो उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर प्रमोट कर दिया। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैनेजमेंट कोर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर यहाँ पर किसी टेक्निकल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, दो कैटेगरी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस में जारी बताई गई हैं कि जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यहाँ पर टेक्निकल कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो प्रमोशन है वो AICTE के निर्देश के आधार पर ही किया जाएगा। जिस टाइप के निर्देश, जिस टाइप की सूचना ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, उन छात्रों को AICTE के आधार पर ही प्रमोट किया जाएगा। काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के यहाँ पर ये भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारा जो कोर्स है, जैसे कि बीए या फिर बीकॉम, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। तो आपको पता ही होगा जो शासन की गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें यही बताया गया कि प्रोन्नति जो है वो यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी। इसके साथ साथ काफ़ी बड़ी संख्या में अब इस कन्फ्यूजन में छात्र पड़ गए हैं कि हमारे कोर्स में जो है ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें प्रैक्टिकल होता हो या फिर यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन होता हो या फिर प्रोजेक्ट फाइल वगैरह इस टाइप से जमा की जाती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है उनके कोर्स में। तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ध्यान से सुने कि ऐसे स्टूडेंट्स को भी प्रमोशन मिलने वाला है। ऐसे स्टूडेंट्स का जो प्रमोशन है वो इस टाइप से होगा कि यदि आपके कोर्स में किसी भी टाइप का कोई भी आंतरिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट वर्ग या प्रैक्टिकल वर्ग नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में अभी इस वर्ष यदि आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर में हैं अभी, तो आपको वहाँ पर सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आप यदि फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन मार्कशीट पर कोई मार्क्स वगैरह शो नहीं होंगे। और जब आप सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, इस सेकेंड ईयर का मतलब है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जिस क्लास में भी आप हैं उस क्लास से आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। और जब आप नेक्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो उस वर्ष में सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर जो भी आपका होगा, उस वर्ष में जो भी आपके मार्क्स आएंगे, आपको प्रीवियस क्लास में उसी मार्क्स के औसत के आधार पर वो मार्क्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाए। इसके साथ ही यहाँ पर प्राइवेट कोर्स के स्टूडेंट्स के भी काफ़ी बड़ी संख्या में कमेंट्स आते हैं कि प्राइवेट कोर्स के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई प्राइवेट कोर्स कर रहे हैं जैसे कि बीए या फिर एमए, तो ठीक है, उन सारे कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर प्रमोशन मिलने वाला है, कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर परेशान ना हो। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।